अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा, मैंने काफ़ी देर से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन अब मैंने देखा है कि ये लोग अपनी वीडियोस में जो है ना कहीं इस बात को लेकर, जैसे आप समझ लें कि टॉन्ट करना या कह देना, ऐसा करना शुरू हो गए हैं। तो अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप सब लोग भी सुन के हैरान होंगे और आइंदा दिनों में मैं वो वीडियोज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो बात बार बार की जा रही थी कि महीन का रिश्ता अचानक हो गया, महीन कौन है और अचानक से रिश्ता हो गया, ये रिश्ता अचानक से नहीं हुआ है। तो इस बारे में मैं आपको भी वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी। इससे पहले मैं एक चैनल को शाउट आउट देना चाह रही हूँ, इसका नाम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये इनके चैनल का नाम है सदव स्टूडियो। आप लोग जाएँ, इनके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो अच्छा, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल से देखा होगा, हुमैरा व्लॉग के बारे में है कि जो सामी की शादी, जो इन्होंने आप लोगों को ये शो कराया कि अचानक हुआ, सब कुछ अचानक हुआ। तो थंबनेल पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है। अगर आप हुमैरा व्लॉग के चैनल को शुरू में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शादी जो है वो अरेंज नहीं है, अरेंज भी नहीं है और अचानक से भी नहीं हुई है। ये प्योरली लव मैरिज है और सामी ये इस तरह से, ये शादी इतनी अचानक आपको शो करवाई गई है। एक्चुअली सामी और माही का जो है वो कपल काफ़ी देर से चल रहा था, मतलब ये दोनों की आपस में, माही जो है वो रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं और जो सामी है वो पहले इस्लामाबाद से था, गुजरांवाला से, अब उसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है। तो ये दोनों एक ही जगह पर इकट्ठे पढ़ते थे। तो पहले सामी ने आज से एक साल पहले अपनी एक वीडियो में इसको लेकर भी आया था, हुमैरा आंटी के साथ, जब उसने शादी वाला प्रैंक किया था। तो लेकिन फिर चूँकि उसने इस चीज़ को प्रैंक का नाम दिया था, तो उस वीडियो में जो है वो माही ही थी जो कि सामी के साथ वीडियो में आई थी। तो हुमैरा आंटी जो है वो यहाँ पर सामी का रिश्ता नहीं करने के लिए विलिंग थी पहले, तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनके घर में जो है वो क्लैशेस भी आए हैं। उसके बाद फिर अली भाई ने जो है वो अपनी सिस्टर इन लॉ का जो रिश्ता है वो इनके लिए भेज दिया था कि मतलब वहाँ इसका कर देते हैं। तो हुमैरा आंटी कहीं ना कहीं विलिंग भी थी ऐसा करने में। तो उसके लेकिन फिर जब अली के साथ इनके थोड़े से क्लैश बढ़ गए और इधर से जो है वो सामी ने अपनी, मतलब कह लें कि जैसे एक दो रिश्ते आंटी ने देखे तो सामी ने उनसे इनकार कर दिया। तो हुमैरा आंटी ने जो है वो फिर यहाँ पर मतलब सामी की हाँ कर दी। और वैसे भी उनके जब अक्सा के साथ क्लैशेस ज़्यादा हो रहे थे तो जाहिर बात है उन्होंने अपनी एक बेटे की तो रखनी थी। तो फिर यहाँ पर हुमैरा आंटी जो है वो विलिंग हुई शादी करने के लिए। जैसे ही विलिंग हुई हैं तो सामी ने मंगनी का भी चांस नहीं आने दिया, डायरेक्ट जो है वो निकाह करवाया है। तो ये चीज़, इसलिए ये रिश्ता इनका बिल्कुल अचानक नहीं हुआ है, ये चीज़ एकदम नहीं हुई है। तो ये पहले से, काफ़ी पहले से ये चीज़ चल रही थी, लेकिन ये कि सामी, और ये सामी भाई की पसंद है, ठीक है। कुछ अरसा पहले आंटी हुमैरा ने इस पे एक व्लॉग भी बनाया था जिसपे उन्होंने ये बताया था कि सामी ने आज अपनी पसंद बता ही दी, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने हल्का सा जिक्र किया था, लेकिन ये इस चीज़ को ज़्यादा ओपन नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि ये लड़की वालों की तरफ से इजाज़त नहीं है इनको कि मतलब इस चीज़ को पब्लिक नहीं करना। जैसे कुछ लोगों में ये होता है कि अगर पसंद की शादी है तो उसको इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं करना है, तो इसलिए इस चीज़ को इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं वो लोग कर रहे हैं। तो लेकिन ये दोनों की शादी जो है वो लव मैरिज ही है। बाहर अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनकी इस चीज़ को जो है वो कामयाब करे, ये कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ को इतना छुपाना या इस तरह से करना ये गलत है क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं। अभी कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं पहले कुछ बातें ऐसी थी जो मैं नहीं पब्लिक करना चाह रही थी या कुछ नहीं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब एक बंदा आपको एक चीज़ को नहीं हट रहा या नहीं बोलने से या कहने से कम बाज आ रहा, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कोई भी फ्री शाउट आउट आप लोगों को जैसे बाकी वीडियोस में मिल रहे हैं, इसमें आप लोगों का कितना भला हो रहा है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, ठीक है। तो कोई एक सब्सक्राइबर या दो सब्सक्राइबर भी आपकी तरफ आते हैं तो मेरा ख्याल है बेहतर है। बाकी जिनके चैनल्स को लोग पसंद करते हैं वहाँ सब भी आ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।